वेलकम फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये कमांडो की है, पैरा सैफ है। इनकी उम्र 25 साल है, ये कुछ 7-8 साल से आर्मी में है और ये करीब 2 या 3 साल से एक इनकी जंप हुई थी जिसमें वो पैराशूट के साथ हेलीकॉप्टर से कूदे थे, उसके बाद से इनका दर्द बना हुआ है। आज इनके इस प्रॉब्लम को 4 साल हो गए हैं, इन्होंने सब जगह दिखा लिया बट इनकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, तो ये हमारे पास आए। तो हमने जब इनका चेक किया तो ये हाई आर्च थे। हाई आर्च आप जानते ही होंगे, बहुत सारी वीडियो में आपने देखा ही होगा कि सिर्फ एड़ी पे और पंजे पे कांटेक्ट आता है, बीच के हिस्से पे कोई कांटेक्ट नहीं आता। इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आने लग जाती है पाँव में और पाँव थोड़ा सा झुक के चलता है, यही कारण है इनकी सारी इंजरी का। अभी हम आपको इनको पीछे से दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका पोस्चर किस तरह से एक तरह झुकने लगा है, ये हम आपको लेजर लाइट के द्वारा दिखाएंगे किस तरह से एंगल्स में भी चेंज आ चुका है। हमने इनको ट्रीटमेंट भी बोला है, इन्होंने आर्चेस भी ले लिए हैं। आज इनका तीसरा दिन था, तीसरे दिन में इनको काफ़ी राहत है। अब आप ये देखिए, पेल्विस के लेवल को चेक करें तो एक तरफ झुकने लगा है, लेफ्ट साइड ऊपर है, राइट साइड झुकी हुई है। पेल्विस को देख सकते हैं, हम पहले राइट पाँव को देखेंगे। राइट पाँव की तरफ हमने लेजर लाइट लगा ली है, देखिए कि काफ में कितना झुकाव या रोटेशन आ गया है, घुटना अंदर की तरफ बेंड करने लगा है। यही चीज हम दूसरे पाँव में देखेंगे, दूसरे पाँव की तरफ जैसे ही जाएंगे आप देखेंगे कि वो भी उसी तरफ झुकने लगी है। तो उनका पोस्चर पूरा का पूरा राइट की तरफ जा रहा है। राइट काफ और लेफ्ट काफ का डिफरेंस आप देख सकते हैं, राइट पाँव ज्यादा वेट लेता है तो राइट काफ में रोटेशन के साथ साथ मसल का साइज भी बढ़ गया है एक्सेस वेट की वजह से। अब हम इनकी पीठ की तरफ देखेंगे, पीठ में भी वही सेम झुकाव है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, बैलेंस नहीं है। यही सारे कारणों को हम फुट बैलेंस से या अच्छे से ठीक करते हैं। आप में से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।